अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जू 510 GDB नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करूंगी, जिसकी लास्ट डेट 21 अगस्त है। तो इसका जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन के लिए वो है कि डिस्कस मेजर पेस्ट कैटेगरीज एंड पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताती हूँ और समझाती हूँ। आपने इस आंसर को सिर्फ 200 वर्ड्स के अंदर मैनेज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आप समझ लें। उसके बाद आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी होगी। कोई भी ऐसी है जो ऑर्गेनिजम्स, अनडिजायर ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन हेल्थ को, हमारे लास्ट टाइप जो सारे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो है थ्रेट देता है, हेल्थ थ्रेट्स देता है, उनको नुकसान पहुँचाता है, वो पेस्ट कहलाता है। तो इनकी जो अकसाम हैं, इनकी जो कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले वीड्स। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमें डिज़ायर नहीं होते। उनके जो वीड्स के पेस्ट होते हैं वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो पेस्ट के तौर पर काम करते हैं और प्लांट्स वगैरह को, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं, स्पाइडर है, बर्ड्स है। इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं, ऐडअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं ह्यूमन हेल्थ को, और वर्टिब्रेट्स जो पेस्ट है उसके तौर पर एक्ट करते हैं। इनकी आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, वरना इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट डिजीज़ में भी बहुत सारे पैथोजेनिक जो होते हैं पेस्ट वो एक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, और कुछ नॉन लिविंग एजेंट्स भी हैं और कुछ लिविंग एजेंट्स भी हैं, जो आपने इसमें डिस्कस कर लेने हैं। लिविंग और नॉन लिविंग की मैंने 2 और 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इधर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एयर है, मॉइस्चर है, ये नॉन लिविंग है, ये सब जो है ये एक्ट करते हैं और प्लांट की जो डिजीज़ है वो काज करते हैं। अब पेस्ट कंट्रोल मेथड सेकंड पार्ट है कि कौन कौन से, किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल कंट्रोल, जैसे कि लाइक रेन है, लेक्स है, पैथोजन प्रीडेटर्स वगैरह, ये जो नेचुरली होते हैं। सेकंड है जियोमेट्रिक कंट्रोल, जिसमें हम जो है जो पेस्ट होते हैं उनके जीन्स को मॉडिफाइड करके उनको पेस्ट के अगेंस्ट जो है लड़ने के लिए मुदाफ़त जो होती है वो उनकी ज़्यादा करते हैं। थर्ड वन है नेचुरल केमिकल कंट्रोल, जिसमें हम नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स और फेरोमोन्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। ह्यूमन अप्लाइड कंट्रोल जो है उसमें मज़ीद जो है उनकी उसकी ब्रांचेज हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है मैकेनिकल कंट्रोल, जिसमें हम जो है 3 डिफरेंट तरीके जो है वो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कल्चरल कंट्रोल, जिससे हमें पेस्ट का जो बिहेवियर है वो को उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से, एरिगेशन और फर्टिलाइजेशन मेथड से। लास्ट से पहले है फिज़िकल कंट्रोल, जिसका फिज़िकल कंट्रोल में आ जाता है टेम्परेचर ज़्यादा का या कम कर देना, वाटर की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा कर देना, लाइट वगैरह। जेनेटिक कंट्रोल में अल्टरिंग जीन्स फंक्शंस, उनकी जो मॉडिफाइंग है वो जीन्स हम कर देते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल वगैरह। केमिकल कंट्रोल लास्ट में है बाय यूजिंग केमिकल्स वगैरह, और जैसे फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। रेगुलेटरी कंट्रोल में भी इसी तरह रूटीन वर्क और उनकी ओरिएंटेशन वगैरह जो है पेस्ट के रिलेटेड एनिमल्स के वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरह ये जो है वैसे 200 में कवर करना मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और आपने इसको सिर्फ 200 वर्ड्स में मैनेज करना है, वरना आप अपने इंस्ट्रक्टर से अलाउ करवा सकते हैं कि हमें कुछ वर्ड्स बढ़ा दें ताकि हम लिख सकें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।